राज्यसभा की कुल 57 सीटें खाली हुई थी, इनमें से 41 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके थे। वहीं बची हुई 16 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। ये वो राज्य हैं जहां लगभग हर पार्टी ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी थी। उनको रिसोर्ट में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच रखा गया था कि वो किसी अन्य पार्टी के संपर्क में ना आ सके। वहीं आज वोटिंग शुरू होने के साथ ही खूब सियासी उठापटक भी शुरू हुई। पूरा दिन सियासी ड्रामा चला। शाम आते आते बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव रद्द किए जाने की मांग उठा दी। वही हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने चुनाव आयोग को कांग्रेस विधायकों के वोटिंग की गोपनीयता भंग करने के साक्ष्य भी भेजे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की मतगणना अभी शुरू नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग से अभी मतगणना की अनुमति नहीं मिली है। गोपनीयता टूटने के मामले पर निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज का संबंधित हिस्सा मंगवाया है। रिटर्निंग ऑफिसर को मैसेज भेजा गया है। तो वहां बीजेपी की एक विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया है। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए 288 में से 285 विधायकों ने वोट दिया। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को अदालत से अनुमति नहीं मिली, जबकि शिवसेना विधायक रमेश लटके की मौत हुई है। बता दें कि इन चारों ही राज्यों में मुकाबला जोरदार है, क्योंकि सभी जगह पार्टियों ने विधानसभा में उनकी विधायी ताकत की तुलना से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। इसी वजह से पूरे चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जाती रही। कर्नाटक और राजस्थान में क्रॉस वोटिंग के बाद हलचल तेज हो गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।